Hey everyone, how are you all? I hope अच्छे होंगे. आज का दिन बहुत खास होने वाला है बिकॉज मैंने इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है क्योंकि द बिग बिलियन डेज का सेल चल रहा था फ्लिपकार्ट पे. तो मैंने एक LED मंगवाई थी, मॉनिटर है जो मेरा वो ख़राब हो गया था, तो मैंने LG का एक न्यू मॉनिटर मंगवाया है फ्लिपकार्ट से जिसकी डिलीवरी आज होगी. तो आज सुबह ही मेरे पास कॉल आया डिलीवरी का कि सर आपका एक ऑर्डर है और वो अभी आने वाला है थोड़ी देर में, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अनबॉक्सिंग करना नई नई चीज़ें का, जो पील करना उसका जो मतलब लिफाफा होता है ना पील करना, वो ज़बरदस्त मज़ा आता है मुझे. नई नई चीज़ें जो होती हैं ना उनका अलग ही मज़ा होता है. एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ. अब इसके चक्कर में मैंने ना तो नहाया है ना ही ब्रश किया है, कुछ भी नहीं, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कितनी जल्दी से वो आ जाए और मैं जो प्रोडक्ट है वो रिसीव करूँ जल्दी से. ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे, कल बारिश हुई थी और बारिश की वजह से अब ठंड हो गई है. अपने घरों में रहें, सेफ रहें. कसम से जितना एक्साइटेड था ना मैं इस LED के लिए जो पार्सल आ रहा है मेरा फ्लिपकार्ट से, अब उतना ही मुझे गुस्सा आ रहा है. वो इसलिए क्योंकि सुबह उसने कहा कि 10 बजे आएगा तो मैं वेट करने लगा. फिर मैंने 10:15 पर फ़ोन किया, उसने कहा कि सर 11 बजे आऊँगा. 11 भी बज गए. उसके बाद मैंने 12:30 बजे उसको कॉल किया, कहता सर वो पार्सल किसी और के पास है, वो गाड़ी में आएगा. मतलब अभी तक वो पार्सल मेरे पास आया ही नहीं, 2 बजने वाले हैं. अब वो कह रहा है कि सर वो पार्सल किसी और के हाथ में, वो आपको नंबर दे देता हूँ, आप कॉल कर लीजिए, वो आपको दे जाएगा. मतलब मेरा टाइम वेस्ट किया इतना, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने खाना खा लिया, सॉन्ग सुन लिए, घूम भी लिया थोड़ा इधर उधर, वेट कर करके थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर ली मैंने, सॉन्ग भी सुन लिए अच्छे अच्छे बहुत, लेकिन ये डिलीवरी वाला नहीं आया. क्या करूं मैं, मन तो करूं ना बस साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का. फाइनली डिलीवरी वालों का कॉल आया और मैं उसे रिसीव करने जा रहा हूँ. देखते हैं, सुबह से शाम हो गई वेट करते, ना नहाया मैं ना और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वेट करते करते दिमाग ख़राब हो गया था मेरा. बट फाइनली वो लेके आ रहे हैं. कहाँ है भाई, जो पीला पीला छोटा हाथी आ रहा है इसी में आ रही है हमारी LED. आजा भाई आजा, तेरी बाट में था मैं सवेरे का. आजा किधर है, कौन काटेगा ना, अरे बस भीतर जाना मन तो इसमें है. इतना बड़े बॉक्स में कुकर है यार, LED थी है. एड्रेस तो सही है, है भाई. हेलो, मतलब तेरा काम खत्म हो गया, तू जा रहा है जो कि मैं गड़बड़ आया तो मेरी सरदर्दी है. ठीक ठीक, जब भाई वीडियो बनाऊँ ना मैं, अरे इसकी हाँ. ये फ्लिपकार्ट वालों ने क्या भेज दिया यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसमें LED कैसे हो सकती है. No, God! सुबह से वेट कर रहा हूँ. No, God, और मिला भी तो नहीं मिला. क्या यार ये खराब हो रहा है मेरा, ये नहीं समझ में आ रहा इसमें है क्या. LED का बॉक्स ऐसा होता है क्या, वही तो ये चौकोर डब्बा है, पेट वाले टीवी आया करते.
छोटा डाल दे दिया। पेट वाले टीवी आते थे, ऐसे ऐसे डब्बे आते थे उनके, ये वाली इसके बहुत बड़ा डब्बा था वो भी स्क्वायर स्क्वायर था इसका, तो वो तो प्रॉब्लम है इसके में समझ में नहीं आ रहा है। ये ये टूट रहा है, इसमें आधे रखा था। और पट रह रही ओनू है, रिटर्न कर जाएंगे तो कॉल ले है, काटन दे मिनट काटो। अनबॉक्सिंग कर दूं मैं, अरे नु कर दे इस साइड पे। अच्छा इसमें क्या रखा है, ताकि से ताकि से तू ये देखो, अभी तो मैं इसको काट ही देता ऐसे तेज़ से। कौन सा है चटाई भाई साहब, ये अब क्या मैं भी भारी है कड़ा। ये जो फीलिंग होती है ना फील करने की, एलईडी का आया हुआ है। ये है अडेप्टर जो कि एलईडी को पावर देगा। ये है हमारा एचडीएमआई केबल, साइड में रखते हैं। ये कुछ स्क्रू हैं, ये आई थिंक ये क्या है, ये स्टैंड का स्टैंड माउंट करने के लिए सिल्वर सिल्वर आ गया। ये कुछ एलजी के ड्रामे एलजी की मंगाई है। ये भी स्टैंड है, इसको बाद में देखेंगे, ये भी स्टैंड के लिए। एंड फाइनली हम ना जो एलईडी है वो ऑन करेंगे। अरे वाइट आ गए, अच्छे से वाइट आ गए। क्यों इसकी यह चीज व्हाइट को नहीं हो सकती? इसकी बेजल्स देखिए बिल्कुल भी नहीं है। देख बेजललेस है, मजा आया। ये इस वाले पापा नहीं है, हैं कि है अगर मन नहीं लिख दी कौन है लिफाफा तो होना चाहिए था यार, इसे कैसे सो फाइनली ये है मेरी 27 इंच फुल HD IPS LED मोनीटर LG का है। जो देख लो इस LED में कितना डिफरेंस है, कितनी छोटी है और इसके सामने कितनी बड़ी लग रही है। एंड दिस इज़ माई न्यू वीडियो जो कि आप देख चुके होंगे
इससे पहले आ चुकी होगी ये वीडियो, कितना डिफरेंस है। कलर्स में आपकी जो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग हो या फोटो एडिटिंग हो, उसमें मेन रोल जो प्ले करता है आपका वो है डिस्प्ले। आपके पास अगर एक अच्छी डिस्प्ले वाला मॉनिटर है तो जो उसका कलर है वो आपको सही एक्यूरेट दिखेगा और अच्छा जो कलर आप चाहते हैं वो कलर आपको शो होंगे आपके मॉनिटर में। इससे आपका जो कलर ग्रेडिंग है, चाहे वो वीडियो है या फोटो है, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसीलिए मैंने हम LG का ही मंगवाया है, बिकॉज मैंने LG की पहले भी यूज़ की हुई है, अभी तक यूज़ करता रहा हूँ काफ़ी ईयर से, तो इसीलिए फिर मैंने LG के साथ ही जाना अच्छा सोचा। पहले मैंने सैमसंग का मंगवाया था। सैमसंग इज़ द बेस्ट इन एवरी डिस्प्ले, क्योंकि सैमसंग ही सबकी डिस्प्ले बनाता है, आपके फ़ोन की भी, इवन एप्पल की भी डिस्प्ले भी सैमसंग बनाता है। बट माइंड का जो खेल होता है कि आई सेटिस्फैक्शन कि आपका माइंड ये जानता है कि हाँ ये चीज़ बेस्ट है तो इसे ही लेना चाहिए, तो आप दूसरे पे जाओगे तो आपका मन नहीं मानेगा, इसलिए मैंने भी LG ही प्रेफर किया। तो पहले मैंने सैमसंग ऑर्डर किया था बट वो कैंसिल करके फिर मुझे दिखा कि फ्लिपकार्ट पे कि सेल में कि इसके प्राइस हैं जो वो लो हो गए हैं LG वाले के, इसलिए फिर मैंने LG का ही ऑर्डर कर दिया। अभी जितनी भी सेल चली हुई है, फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो, बट टाइम है जो आपको टाइमिंग चेक करते रहना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ किस टाइम है। मैं मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती है मैं कार्ट में डाल लेता हूँ और चेक करता रहता हूँ उसके प्राइस हैं जो कब लो आए हैं कब हाई हैं, तो उससे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ किस टाइम परचेज करनी चाहिए। तो इसी तरह मैंने ये LED मंगवाई है। आई होप सब कुछ अच्छा हो इसके साथ, ये इसके साथ ऐसा ना हो कि ये भी गिर जाए आंधी तूफान आ जाए। वैसे भी बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में आंधी तूफान आते रहते हैं, तो ये उनमें से एक और था जो नुकसान टोटा ही टोटा।